कर भाई साहब नमस्कार। आज हमारे साथ ग्राम खाई खेड़ा के प्रगतिशील किसान मोहन राजपूत जी है और इन्होंने ये बताएंगे इन्होंने अपने गेहूं में क्या डाला था और इसके क्या परिणाम आए हैं। भाई साहब आप ये बताइए, आपने ये गेहूं का बीज उपचार किससे किया था? ये प्रेरक बीट से किया था। अच्छा हाँ। तो इसका प्रेरक बीट से आपने उपचार किया था तो इसके आपको क्या परिणाम मिले हैं? परिणाम ये मिले कि पौधों की ग्रोथ अच्छी है। हाँ। और मैंने बीज बहुत कम बोया था। हाँ। और अच्छा बीज हुआ है। मेरे पास में पड़ोस का खेत है। हाँ। इन्होंने करीबन 3.5 एकड़ में 3 क्विंटल बोया था। हाँ। और मैंने 3 एकड़ में 1 क्विंटल 80 किलो अनाज बोया था जो पूरा पूरा हुआ। मतलब जिनने 3 एकड़ में 3 क्विंटल बोया था और आपने 1 क्विंटल 80 किलो बोया, मतलब आपका जर्मिनेशन इनसे भी अच्छा हुआ है, है ना? बाकी उर्वरक वगैरह दोनों बराबर दे रहा हूँ, वेराइटी भी दोनों सेम है। उर्वरक भी उनने यूरिया करीबन 4 बोरी डाली थी और मैंने 2 बोरी डाली। अच्छा, आपने यूरिया की भी कटौती की है इसमें, है ना? तो भाई साहब आप ये बताइए कि इनके गेहूँ से आपने गेहूँ का उठाव कैसा है, बढ़वार कैसी है? बढ़वार इनसे अच्छी है, है ना? जबकि उन्होंने उर्वरक ज्यादा इस्तेमाल किया, मैंने उनसे कम किया है, बीज भी कम इस्तेमाल किया है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है, कल्लो की संख्या भी अच्छी। भाई साहब एक पेड़ आप उखाड़ के बताइए। भाई साहब आप ये बताइए कि अगले साल आप कितनी जमीन में इसका प्रयोग करोगे? इतनी जमीन है, 12 एकड़ है मेरे पास, तो सारे में भी इसका प्रयोग करूंगा। इस साल कितना प्रयोग किया आपने? इस साल मैंने 1 लीटर प्रयोग किया था। अच्छा, 1 लीटर करीब 5 क्विंटल गेहूँ। अच्छा, 1 लीटर भाई साहब ने 5 क्विंटल गेहूँ में इसको मिलाया था और इसके आप परिणाम देख सकते हो, जहाँ भी अपना प्रेरक बीज डला है उसके बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार परिणाम आए हैं। और आप बगल वाले खेत को देख सकते हो, इसमें बीज भी लगभग 3 क्विंटल के आसपास डला है और इसमें 1 क्विंटल 80 किलो डला है और दोनों खेत 3-3 एकड़ के हैं। यूरिया 4 बोरी डली है इसमें, और इसमें 2 बोरी नाइट्रोजन डाला है यूरिया और इस खेत में 4 बोरी यूरिया डला है। उसके बाद भी अपने प्रेरक बीट का बहुत ही अच्छे शानदार परिणाम आए। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रेरक बीट का प्रयोग करा और आप भी अपने गाँव के जो किसान है उनको इसके बारे में सजेस्ट जरूर करना। थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद।